लालू जी के बात का असर पड़ता है। कहने के लिए परिवार है, कथनी अकड़नी में तो अंतर है। क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह आप वो कहे, उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के? जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसानों से? क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है, कथनी अकड़नी में तो अंतर है। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है, कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। अब इसमें क्या कहें, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं। अब इसमें क्या बोलूं, ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं, ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें, चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं।